आपका वोट गया है 94.3 My FM को. That's right, 94.3 My FM आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, और मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर माय मनी गुरु का एक और एपिसोड विच इज ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया. एंड मेरे साथ बहुत ही पॉपुलर वोट से, और ज्यादातर इन वोटिंग में लड़कियों के वोट हैं, है को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया, दैट इज नैटी. ओके नैटी, जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि आप जो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट के लिए वो सच होता जा रहा है, मतलब जो माय मनी गुरु ध्यान से सुनता है उसको तो पक्का फायदा ही फायदा है. मीनाक्षी, वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी इफ पीपल आर एबल टू यूज इट फॉर द बेनिफिट. एब्सोल्युटली. ओके, तो वैसे हम अगर आजकल देखें तो जहां देखो मतलब जनरल इलेक्शंस का पूरा माहौल है नैटी, राइट? तो मुझे बताओ कि इस बार इलेक्शंस का मार्केट पे कितना असर होने वाला है. मीनाक्षी, इलेक्शंस एक्चुअली हमेशा ही बहुत अहम रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए. अगर हम जनरली देखें, 2004 की इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन के अगले दिन मार्केट 18% गिरी थी. 2009 के इलेक्शन हुए थे तो मार्केट ना 20% एक दिन में ऊपर चढ़ी थी. सो इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉक ऑप्शंस आर प्राइसिंग की कुछ भी होगा मार्केट में ऑन द वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम द इलेक्शंस. वी आर लुकिंग फॉर अ 10-15% मूव द वेरी नेक्स्ट डे एट द ओपनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट. ओके, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट्स बीन प्राइस्ड इनटू द मार्केट एट दिस पॉइंट. जनरली हम देखते हैं इलेक्शन से पहले 15-20% मार्केट चढ़ती है ऑन एन एवरेज, एंड वी हैव सीन मार्केट हैज बीन हिटिंग ऑल टाइम हाईएस्ट दिस टाइम एज वेल. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, विल वी गेट अ क्लियर मैंडेट और नॉट, विल वी गेट अ हंग पार्लियामेंट और नॉट, दैट्स गोइंग टू डिफाइन द फेट ऑफ द मार्केट्स, आई वुड से दैट पॉइंट. तो बेसिकली इस बार पीपल हैव बीन लुकिंग, इन्वेस्टर्स हैव बीन लुकिंग आउट वेरी स्ट्रांगली फॉर द क्लूज, एंड वी नो इफ देयर इज अ क्लियर मैंडेट वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट रैली कमिंग इनटू द मार्केट, स्पेशली इन रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स. इफ देयर इज नॉट अ क्लियर मैंडेट दैट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, वी कैन पोटेंशियली सी बैंकिंग सेक्टर टैंक लाइक एनीथिंग. ओके माय गॉड, तो मतलब आर यू सेइंग दिस कि अगर इन्वेस्ट करना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ बेट रहेगा? आई वुड नॉट से कि इन्वेस्ट इन एंटिसिपेशन की कौन जीतेगा, बट देयर शुड बी अ स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी इन हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग. ऑलराइट, चलिए अब किस तरह से ये जो नई सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, वो मार्केट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, नाटी हम ये आपसे जानेंगे बस थोड़ी देर में. 94.3 एफएम पर आप सुनते रहिए एमएमजी, दैट इज माय मनी गुरु. एंड फॉर ऑल स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज आप एसएमएस कर सकते हैं, एमवाईसी टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, एमएमजी टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर, या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं mymoneyguru.finvasia.com पे. सुनते रहिए आरजे मीनाक्षी को माय एफएम पे, जियो दिल से. वोट अगर आपका जाता है इंफोटेनमेंट को तो वोट जाता है 94.3 माय एफएम को. माय एफएम पर संडे को आपके साथ मैं हूँ आरजे मीनाक्षी, जिसका फिनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को लेके ज्ञान में लगातार जो है वृद्धि हो रही है क्योंकि हमारे साथ हैं इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी. नैटी, माय मनी गुरु ये शो इज रियली डूइंग रियली वेल, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शंस इन्वेस्टमेंट्स को. बताओ कि मतलब जो भी पार्टी अब नहीं आती है वो नई नई पॉलिसीज बनाएगी, तो किस तरह से वो इफेक्ट करने वाला है मार्केट सिनेरियो को? मीनाक्षी, बिफोर आई गो इनटू इट, आई वुड स्टार्ट विद अ वेरी बिग डिस्क्लेमर दैट यू नो ऑल द ओपिनियंस, ऑब्वियसली वी हैव ओपिनियंस, आर प्योरली माय ओन ओपिनियंस, माय पर्सनल ओपिनियंस व्हेन आई लुक एट दैट. सो ऑल ओपिनियंस आर प्योरली माय पर्सनल ओपिनियन, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, नाउ वी कैन गो. सो यू नो इफ आई लुक एट इट, बेसिकली अ स्पेसिफिक पार्टी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम बीजेपी की बात करते हैं, हमें मालूम है कि दैट इज मोर कैपिटलिस्ट सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच. अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, इट इज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ अ पार्टी. एंड अगेन गोज विद माय ओन पर्सनल ओपिनियन डिस्क्लेमर कि अगर एक सोशलिस्ट पार्टी आती है तो नेचुरली हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का दौर बढ़ता है, देयर इज मोर इन्फ्लेशन. एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज्यादातर कंट्रोल में रहती है, जो बाय एंड लार्ज देखा जाता है. अगर मैं बात करूं कांग्रेस, बीजेपी या एएपी, माय पर्सनल बिलीफ इज कि, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एफडीआईज एंड एफआईआईज दैट वी टॉक टू, अगर हम देखते हैं कि एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आती है तो वी कैन पोटेंशियली सी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रैली दैट कम्स इनटू द मार्केट. एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर इट. इफ यू लुक एट इट, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स का तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, विच इज 40% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडेड इन इंडिया. तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिनसे उनको पैसा पुल आउट करना पड़ेगा तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कोलैप्स वी कैन सी इन द मार्केट. जब हमने देखा कांग्रेस हैड सम पॉलिसीज विच हैड इंपैक्टेड एफआईआईज नेगेटिवली, जैसे कि 2007 में पी नोट्स की पॉलिसीज इशू की गई थी जिसके अगले दिन मार्केट 10%
पर्सन क्रैश कर गई थी एट दी ओपन. जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल आया था जिससे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगे थे और विद इन अ मंथ वी सॉ ओवर 1 लाख करोड़ रुपीज लीविंग इंडियन मार्केट्स. सो दीस थिंग्स आई थिंक आर गोइंग टू प्ले अ मच इंपॉर्टेंट रोल दिस टाइम एज वेल एंड पीपल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली. ओके, चलिए अब हर पार्टी जो है अलग तरह की पॉलिसीज बनाएगी और किस तरह की पॉलिसीज बनाएगी ये भी आपने क्लियर ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया नाठी. तो फिर इलेक्शन से पहले अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें ये नाठी हम आपसे जानेंगे बस थोड़ी देर में. आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर एमएमजी, दैट इज माय मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. जियो दिल से एंड वोट दिल से. मुझे कितने लोग कह रहे हैं कि मीनाक्षी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिनवेजिया से जो भी टिप्स उन्हें मिलते हैं उनसे उन्हें काफी फायदा हुआ है. तो आप भी फायदा उठाइए, अपने कीमती वोट जो है वो 94.3 एफएम पे माय मनी गुरु को दीजिए. यस, 94.3 एफएम आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मीनाक्षी को सुन रहे हैं ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ एमएमजी और मेरे साथ है को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया नाठी. ओके नाठी, इलेक्शन से पहले की उथल पुथल में अब मार्केट्स में क्या उथल पुथल होगी आपके हिसाब से और कैसे इन्वेस्ट करें अहेड ऑफ इलेक्शंस, क्या कहेंगे? मीनाक्षी, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हाउ इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट इज आल्सो पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इन्वेस्ट किस तरह से किया जाए. द वे वी लुक एट द मार्केट्स, वी सी की इलेक्शंस के एकदम बाद अगले दिन ही हमें 10-15% की मूवमेंट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है. आज की डेट में निफ्टी तकरीबन 6500 के आसपास घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन के नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो वी कैन सी निफ्टी प्रोबेबली एट 5900. अगर एक पॉजिटिव आउटकम आता है इलेक्शन का, वी कैन सी निफ्टी प्रीटी मच क्रॉसिंग 7000 मार्क ओवरनाइट. वाओ, गोल्डमन सैक्स ने रिसेंटली इंडिया को ओवरवेट डिक्लेयर किया है. सिटी बैंक ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि दे सी निफ्टी एट 7600 विद इन दिस ईयर. दोस थिंग्स विल बी इंपैक्टेड. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन इज दैट हाउ शुड वी बी इन्वेस्टिंग. मार्केट का तो पता नहीं है किस तरह भी जा सकती है. द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्ट स्मॉल, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर मनी ओवर देयर. लाइक यू ऑलवेज से, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एग्जैक्टली राइट. तो यू नो, मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप, मैं बोलूंगा आप शायद 35,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड सिट टाइट फॉर द इलेक्शंस. सिट टाइट फॉर द इलेक्शंस, वाओ ग्रेट टर्म. अब इसका मतलब भी समझाइए. जस्ट सिट टाइट, यू नो, वेट फॉर द इलेक्शन रिजल्ट. वेट फॉर द इलेक्शन. और अगर कोई स्पेसिफिक मार्केट में कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट बनती है, जैसे द वे वी लुक एट इट, इफ कांग्रेस कम्स टू पावर वी आर लुकिंग मोर एट डीएलएफ, जिंदल स्टील्स, टीसीएस, उस तरह के स्टॉक्स, रिटेल स्टॉक्स, एयरलाइन स्टॉक्स. अगर बीजेपी कम्स इनटू पावर वी आर लुकिंग एट, यू नो, स्टॉक्स लाइक अदानी, रिलायंस, ऑल ऑयल सेक्टर कंपनीज एंड ऑल दीज थिंग्स. So you should be putting up that the balance 35% accordingly after the results. क्या बात है, मतलब मुझे लगता है कि नाटी से टिप्स लेके अगर कोई माला माल होता है, ऐसा कुछ तो नहीं कि आपको कमीशन देना पड़ेगा. ओके, नॉट रियली, फाइन, तो अभी तक के लिए नॉट रियली. बट यस, अगर आपको भी आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है तो आप SMS कीजिए, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर, या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं mymoneyguru.finvasia.com पे. और नाटी आपसे कोई बात भी करना चाहते हैं जो हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में. आप सुन रही 94.3 माय एफएम पर माय मनी गुरु, ब्रॉट यू बाय फिनवेजिया. चियो दिल से. Yes, आपने वोट किया है 94.3 माय एफएम के लिए. फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड ऑसम वाले गाने 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, और आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु, दिस शो व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. एंड मेरे साथ हैं फिनवेजिया के कोफाउंडर नाटी. नाटी, हमारे साथ एक कॉलर है जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. जी हाय नाटी, मैं हूँ रवि सेक्टर 22 से और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपका शो पिछले 2-3 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ और शो सुन के मेरा मन ऐसा किया कि मैं भी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि जहां मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकूं? मिस्टर रवि, पहले तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर लुकिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, व्हिच आई थिंक इज ऑलवेज ग्रेट. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा, आप किसी स्पेसिफिक शेयर की तरफ मत देखिए. अगर आपको 20 साल के इन्वेस्ट करना है और आपको बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना, सिंपली एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स में निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कीजिए. सिंपल उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, अगर आप मान लीजिए हर महीने 5000 रुपए का निफ्टी या सेंसेक्स इसी चीज को पकड़ के हर महीने बिना सोचे कि वो स्टॉक कहां पर है कहां पर नहीं है उसमें डाल दीजिए. अगर हम पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से देखें, अगर आप हर महीने 5000 रुपया निफ्टी में डालते हैं तो अगले 20 साल में आप रफली 12 लाख रुपया डालोगे और पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से वो आपका 12 लाख की जगह आपको 57 लाख रुपीज का रिटर्न होगा उसके ऊपर. इन द 20 ईयर पीरियड वी हैव नेवर सीन निफ्टी और सेंसेक्स लूजिंग यू मनी, दे ऑलवेज टेंड टू आउट परफॉर्म द इन्फ्लेशन इन जनरल, सो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एट दिस पॉइंट. अमेजिंग. मुझे बताइए कि फिलहाल के लिए मार्केट्स के लिए क्या ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं
Nati. Minashi, last week we predicted that market is going to be choppy. The market has been choppy all of this week. There has been jitteriness. Market went up one day, went down the down other day. We don't see much change in the sentiment per se. India mein koi bahut bada data nahi aa raha agle hafte. US mein things to watch out for is manufacturing PMI, which is coming on Monday. Tuesday ko consumer confidence hai. Aur sabse important cheez hai Friday ko inflation expectations. Kyunki going forward, markets are going to react a lot to the US inflation expectations. जिससे कि हमें गोल्ड में और रूपी में काफी मूवमेंट देखने को मिल सकती है. ओके, अमेजिंग. चलिए, और अगर आपको मिलना है दोबारा हमसे तो दोबारा आना पड़ेगा. यस, माय मनी गुरु, दिस शो हर संडे को शाम को 5 से 6 बजे हम आपको मिलते हैं. और अगले हफ्ते एक्चुअली जितने भी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की अगर हम बात करें तो करेंसी में जितना भी फ्लक्चुएशन होता है नैटी, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है, सबसे ज्यादा फंसते वही है. तो ऐसी दिक्कत को कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली मीनाक्षी, विल लुक फॉरवर्ड टू सॉल्विंग दोस काइंड ऑफ इश्यूज एज़ वेल. क्या बात है, अगले हफ्ते. बी देयर, इट्स ग्रेट टू बी हियर मीनाक्षी, ऑलवेज. एब्सोल्युटली, 94.3 FM सुनते रहिए एनजीओ दिल से.